अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, तो वो मैं समझने के लिए था कि एक कैपेसिटर किस तरह से काम करता है। उसी कंसेप्ट को यूज करके डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर बनाए जाते हैं, तो इनमें से हम सबसे पहले बात करेंगे पेपर कैपेसिटर की। पेपर कैपेसिटर एक फिक्स्ड कैपेसिटर होता है। फिक्स्ड कैपेसिटर का क्या मतलब होता है कि उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो फिक्स होती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हमने 100 माइक्रो फैरेड का एक कैपेसिटर बना दिया, तो वो वही रहेगा, जब तक वो खराब नहीं होता वो 100 का ही रहेगा, तो वो फिक्स है। यहाँ फिक्स से मुराद ये होता है कि उसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। और ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अब सिलेंड्रिकल शेप का ये किस तरह से बनाया जाता है? असल में दो तरह के हमारे पास फाइल्स होती हैं, एल्यूमिनियम फाइल यूज करते हैं, कोई भी फाइल हो सकती है, वो हम यूज करते हैं और उनके दरमियान में हम एक ऐसा पेपर रख देते हैं जो कि आयर या ग्रीस पे लगा पेपर होता है, और उस पेपर को इन दो प्लेट्स के दरमियान में रख दिया जाता है। मतलब कि ये भी दो फाइल्स होती हैं, उनके दरमियान रख दिया जाता है। अब इस तरह से पेपर रखने के बाद इन दो फाइल्स के दरमियान उसको फोल्ड कर लिया जाता है। हम इस तरह से क्यों करते हैं? पैरेलल प्लेट के अंदर जो प्लेट्स होती है, हमें क्योंकि चार्जेस को ज्यादा स्टोर करना होता है, इसका मतलब है वो प्लेट्स का जो एरिया है वो ज्यादा होने चाहिए। लास्ट लेक्चर में जब मैंने कैपेसिटर की वर्किंग समझाई थी, तो उसमें मैंने एक प्रैक्टिकल के तौर पे बताया था कि जब हम उसका एरिया ज्यादा करते थे तो चार्जेस ज्यादा स्टोर होते थे। तो अगर हमने कैपेसिटर के अंदर ज्यादा टाइम के लिए, मतलब उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, तो हमें वो एरिया ज्यादा चाहिए। वैसे अगर हम प्लेट्स बड़ी बड़ी लगा दें तो इस तरह से कैपेसिटर हम बना तो लेंगे, लेकिन हम किसी सर्किट के अंदर यूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा कैपेसिटर बन जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रिप्स ही बना के उनके दरमियान में हम एक पेपर रख देते हैं, और ये जो पेपर होता है ये डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर काम करता है, ये उस इन दो फाइल के दरमियान मीडियम होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम कैपेसिटर के दरमियान एक कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती है उनके दरमियान एक मीडियम यूज करते हैं जो कि डाई इलेक्ट्रिक कहलाता है। तो यहाँ पर ये पेपर जो होता है ये डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर काम करता है। तो हम इनको इस तरह से इसी वजह से बनाते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को स्टोर करवा सके, क्योंकि ये एक लंबी स्ट्रिप होती है, बहुत ज्यादा इसकी लेंथ होती है इस पेपर की, और फिर हम इसको फोल्ड कर देते हैं। बहुत बड़ा पेपर होता है, उस बड़े से पेपर को हम फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करते हैं, बहुत टाइटली उसको फोल्ड कर देते हैं, रोल कर देते हैं, जैसे यहाँ आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं, रोल करते हैं तो वो एक सिलेंडर की शेप बना देते हैं। यही वजह होती है कि जो पेपर कैपेसिटर होता है ये सिलेंडर के शेप का होता है, यानी बहुत बड़ा सा पेपर होता है और उसको रोल करके एक सिलेंडर की शेप बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर एक कवर से लगाकर हम उसको एक प्रॉपर शेप दे देते हैं। तो ये तो होता है हमारे पास पेपर कैपेसिटर, जो कि फिक्स होता है, सिलेंडर के शेप का होता है। डाइइलेक्ट्रिक में हम एक पेपर इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर आयर या ग्रीस लगी होती है, और उसको हम टाइटली फोल्ड कर देते हैं, मतलब कि उसको हम रोल कर देते हैं, और इस तरह से हमारे पास जो कैपेसिटर होता है उसको हम पेपर कैपेसिटर बोलते हैं। अब बात करते हैं मीका कैपेसिटर की। मीका कैपेसिटर भी एक फिक्स्ड कैपेसिटर होता है। फिक्स्ड कैपेसिटर का मतलब क्या होगा? इसकी जो कैपेसिटेंस होती है ये भी फिक्स होती है। पेपर कैपेसिटर और मीका कैपेसिटर में फर्क क्या होता है? फर्क डाई इलेक्ट्रिक का होता है। पेपर कैपेसिटर में दो फाइल के दरमियान हम डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर एक पेपर रखते थे, लेकिन मीका कैपेसिटर में दो प्लेट के दरमियान हम मीका रख देते हैं। मीका एक डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर काम करता है, जिसको हम अभ्रक भी बोलते हैं, और फिर उसको हम कवर कर देते हैं किसी प्लास्टिक के केस में, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पिक्चर में जितने भी कैपेसिटर हैं ये सारे के सारे मीका कैपेसिटर। इनके साथ यहाँ पर दो बाहर वायर निकली होती है, इन वायर्स को हम किसी सर्किट के अंदर इसको फिक्स करने के लिए लगाते हैं, बस इन वायर्स को हम कनेक्ट कर देते हैं अगर कहीं हम इस सर्किट में इसको लगाना हो तो। अब ये तो फिक्स कैपेसिटर थे जिसकी कैपेसिटेंस फिक्स रहती है, लेकिन अगर हमें कैपेसिटेंस को टाइम के साथ साथ चेंज करना हो या कैपेसिटेंस को हमने बढ़ाना हो, तो तब हम फिक्स कैपेसिटर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई फिक्स कैपेसिटर की जितनी कैपेसिटेंस है वो तो उतनी रहनी है, वो चेंज नहीं हो सकती, तो तब हम यूज करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। अब वेरिएबल कैपेसिटर जो होते हैं वो उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो फिक्स कैपेसिटर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब फिक्स कैपेसिटर में ज्यादा से ज्यादा हम दो प्लेट्स को इस्तेमाल करते हैं, जबकि वेरिएबल में हम नंबर ऑफ प्लेट्स को यूज करते हैं। अब उनको किस तरह से कंबाइन किया जाता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। यहां इस पिक्चर में जो आपको कैपेसिटर नजर आ रहे हैं ये वेरिएबल कैपेसिटर है, यहां ये नीचे पिक्चर है इसको देखें, इस तरह से इसमें प्लेट्स होती हैं और ये सारे के सारे प्लेट्स यानी नंबर ऑफ प्लेट्स को कंबाइन किया हुआ होता है। इनके दरमियान जो डाइइलेक्ट्रिक होता है वो एयर होता है, मतलब कि जैसे कि हमने पेपर कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक पेपर रखा, मीका कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक मीका रखा, जबकि वेरिएबल कैपेसिटर में हमारे पास जो डाइइलेक्ट्रिक होता है वो एयर होता है,
मतलब कि हम इसके अलावा कोई और दरम्यान में चीज नहीं रखते, ये स्पेस होती है, खाली जगह होती है। और इन सबको हमने क्या किया होता है, नंबर ऑफ प्लेट्स को आपस में कंबाइन किया हुआ होता है। इसमें प्लेट्स के दो सेट्स होते हैं, एक सेट जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, जबकि जो दूसरा सेट होता है वो वेरिएबल होता है, यानी मूव कर सकते हैं। यहाँ इस ऊपर वाली पिक्चर में देखें, या जो नीचे वाला पोर्शन है ये उन प्लेट्स का सेट है जो कि मूव कर सकते हैं, और यहाँ पर जो ऊपर प्लेट्स मौजूद हैं ये एक ही जगह पर फिक्स हैं, ये मूव नहीं कर रहे। और इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। जब इन प्लेट्स को इनके करीब लेकर जाएंगे तो क्या होगा कि ये इनके एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। अब जब ये प्लेट्स एक दूसरे के जितना फेसिंग एरिया इनका ज्यादा होगा उनकी कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा हो जाएगी, और जितना फेसिंग एरिया कम होगा इनकी कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी। तो हमें जितनी इसकी जरूरत होगी उसी हिसाब से हम इसको ट्यून करके घुमा के इसकी कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर, जो कि कैपेसिटेंस को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसको आमतौर पर आपने देखा होगा कि रेडियो वगैरह में ट्यून करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमने फ्रीक्वेंसी सेट करनी हो तो उसके लिए हम एक नॉब्स घुमाते हैं, बेसिकली वो जो हम नॉब घुमाते हैं उसके अंदर वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है। इसको यहां से समझे आपको अच्छे से समझ आएगी, ये एक वेरिएबल कैपेसिटर है। यहां पर इससे पिछले मैंने डायग्राम में दिखाया कि यहाँ नंबर ऑफ प्लेट्स लगी हुई थी, तो इसके अंदर सिर्फ तीन प्लेट्स लगी हैं। आप ये जो नीचे वाली प्लेट्स हैं ये सारी की सारी फिक्स प्लेट्स हैं, तो ये एक सिंपल सा कैपेसिटर है आपको समझाने के लिए। यहाँ जो नीचे वाली प्लेट्स हैं ये सारी की सारी फिक्स हैं, और ये दो सेट्स होते हैं, तो एक सेट जो है वो फिक्स होता है जबकि दूसरा सेट जो होता है वो वेरिएबल होता है जो कि ऊपर इसके घुमाया जा रहा है। अब इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जब हम इनको घुमाते हैं तो ये एक प्लेट्स दूसरे प्लेट्स के अंदर आ जाती हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी फिक्स रहता है। अब जो प्लेट्स जितनी ज्यादा करीब आएंगी, यानी इनका ये जो फेसिंग एरिया है नीचे वाली प्लेट और जो ऊपर घूम रही है ये एक दूसरे के सामने, इनका फेसिंग एरिया जितना ज्यादा होगा इनकी कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी। और जैसे ही हम इसको मजीद घुमाएंगे तो इनके फेसिंग एरिया जो होगा वो चेंज होता रहेगा। अब इनके जो फेसिंग एरिया है वो कम है, यहाँ कैपेसिटेंस कम है, या मतलब कि चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर कहीं पर ये यानी ज्यादा हो जाएगी और कहीं पर कम हो जाएगी। तो इस तरह से वेरिएबल कैपेसिटर में हम इस प्लेट्स को घुमाकर इनके फेसिंग एरिया को चेंज करके इसकी कैपेसिटेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर इस तरह से काम करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होते हैं ये हमें लो वोल्टेज के ऊपर ज्यादा कैपेसिटेंस देते हैं। अभी किस तरह से करते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये चार्जेस का सोल्यूशन होता है, यानी इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं। चार्ज के सोल्यूशन के अंदर हम मेटल की एक फाइल रख देते हैं, और मेटल की फाइल को जैसे कि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये आपको जो रिंग टाइप नजर आ रही है ये मेटल की फाइल है और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रखी है, तो इसके साथ ये कनेक्टेड होती है। और फिर इन दोनों को, यानी इलेक्ट्रोलाइट और मेटल फाइल, इन दोनों को वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। जैसे वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो इस फाइल के ऊपर मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। अब वो जो लेयर होती है वो डाइइलेक्ट्रिक के तौर पर काम करती है और होती भी इंसुलेटर है, और इस लेयर की जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है, और ये वजह होती है कि ये इसकी कैपेसिटेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होता है जो कि लो वोल्टेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटेंस देता है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में भी कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर दिखाए गए हैं। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ कैपेसिटर।